नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं News4Nation। मानसून सत्र की शुरुआत केंद्र में हो चुकी है। संसद में पहले ही दिन सदन हंगामेदार रहा, कई तरह की बातें सामने रखी गई, खासकर फोन टैपिंग और जासूसी को लेकर बहुत सारी बातें विपक्ष की ओर से की गई और सदन इतना ज्यादा हंगामा वहां पर होने लगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को रख तक नहीं पाए। लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक बयान कल कोरोना संक्रमण के दौर में हुई मौतों की सिलसिलों को लेकर दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। अब इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर विपक्षी दल सभी जगह अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और यही वजह है कि बिहार की सियासत में भी इसको लेकर चर्चा जोरों पर हो रही है। पहले से ही विपक्षी दलों में प्रमुख आरजेडी की तरफ से कोरोना काल में बिहार के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई तरह की बातें कही गई थी, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया कि ऑक्सीजन की अनुपलब्धता में किसी की भी जान नहीं गई, तो अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, आप पहले उनकी बातों को सुनिए। केंद्र सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल सदन में कहा है कि ऑक्सीजन से देश में लोगों की मौत नहीं हुई, ये बेशर्मी की प्रकाष्ठा है और झूठ बोलने के भी एक सीमा है, उसको भी इन्होंने लांग दिया। लाशों के अंबार बिखरे पड़े थे, बाकी जगहों के छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे, गंगा माँ के गोद में लाशों के ढेर पड़े थे। और केंद्र की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से लोगों की मौत नहीं हुई है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है और झूठ की सभी सीमाओं को इन्होंने पार कर दिया है। ये देश की जनता देख रही है कि सरकार ने किस तरह से झूठ बोला है ऑक्सीजन पर। आपको बता दें कि मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि ये बिल्कुल गलत बयान है, इस तरह की बातों को करना कहीं से भी सही नहीं, ये बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें कि कोरोना काल में जो बदहाली की तस्वीर सामने आई, ना सिर्फ बिहार की बल्कि बिहार के अलावा भी अलग अलग राज्यों से बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें सामने आई, खासकर उत्तर प्रदेश का हवाला हर किसी की तरफ से दिया जा रहा है। विपक्षी दलों की बात करें या आम जनता की ही क्यों ना बात कर लें, जिस तरह से गंगा की गोद में जो लाशें बिछी हुई थी उसकी तस्वीरें भयावह थी, दर्दनाक थी और उन तस्वीरों को देखकर विपक्षी दलों की तरफ से लगातार बातें की जा रही थी। और एक बार फिर से जब से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से इस मुद्दे को लेकर अपना बयान दिया गया है, फिर से सियासत गर्मा उठी है। लगातार कोरोना काल में हुई जो बदहाली की तस्वीर सामने आई थी उसको लेकर अब राजनीति में एक बार फिर से चर्चाएं चरम पर हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सरकार को शर्म आनी चाहिए, बिहार से लेकर केंद्र सरकार तक में जो बदहाली की तस्वीर सामने आई है वो बिल्कुल भी अकल्पनीय थी। इतना ही नहीं, जनता त्राही मांग कर रही थी, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता, बेड की अनुपलब्धता साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, लेकिन बावजूद इन बातों को नकारा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर लगातार सियासत पहले भी हो रही थी और अब भी जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है, लगातार इस मसले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इन बयानों की चर्चा चरम पर हो रही है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे News4Nation के साथ। नमस्कार।